टुडे वी स्टडी अबाउट क्यूब ऑफ 1 to 15। तो क्यूब का मतलब वो होता है कि जो अंक दिए उसी का गुणा 3 बार करना है। जैसे 1 1 जा 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब 1 ही होगा। 2 का 2 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 3 का स्क्वायर हो, 3 का क्यूब होगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 4 का 4 4 जा 16, 16 3 जा 64। अब 5 का 5 5 जा 25, 5 5 का 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। वैसे ही 6 है 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। 7 का 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। वैसे ही 8 का 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331। अब 12 का क्यूब होगा 1728, 13 का क्यूब होगा 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375। ये हो गया हमारा 1 से 15 तक का क्यूब। क्यूब का मतलब ये होता है उसी का इंटू उसी अंकों में करना। जैसे जो अंक दिए गए हैं उसी का इंटू 3 बार करना। जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। जैसे फिर है 3 है 3 का इंटू 3 में, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 4 है 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 5 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। क्यूब का मतलब यही होता है जो अंक दिए गए उसी का इंटू 3 बार करना। जैसे कि 8 8 8 जा 64, 64 8 जा 512। वैसे 9 है 9 9 जा 81, 81 9 जा 729। 10 है 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000। तो क्यूब रूट का मतलब यही होता है कि जो अंक दिए गए उन्हीं का इंटू 3 बार करना। ये हो गया हमारा क्यूब रूट। थैंक यू।